हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। अभी हम लोग ना यहाँ पे लास्ट डे ऑफ रूल सर्वाइवल खेल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो बॉम्ब शेल्टर है जो न्यू वाला मैप का, आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ पे सप्लाई चेस्ट और कहाँ पे एटलीस्ट इन्होंने एमओ चेस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कहाँ कहाँ पे सप्लाई चेस्ट वगैरह कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें ना क्या हुआ कि जो जितने सारे पहले जितने जॉम्बी थे तो उनसे ना इन्होंने डबल कर दिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हो बाहर में ही तीन जॉम्बी होते हैं। ठीक है, जो कि बाहर में तो कोई सप्लाई चेस्ट नहीं होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद जहाँ पे तीन जॉम्बीज होते हैं वहाँ पे इन्होंने छः जॉम्बीज कर दिया है। ठीक है, तो अभी चल के दिखाते हैं आपको अंदर में क्या है। ठीक है, तो फटाफट जैसे ही नीचे आता हूँ तो इधर भी दो होते हैं। ठीक है, तो जो सप्लाई चेस्ट का जो लोकेशन होता है तो इन्होंने ना उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट ना जॉम्बीज वगैरह को किल करते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कहाँ पे इन्होंने सप्लाई चेस्ट को रखा हुआ है। ठीक है, और अभी ना मैं आपको चल कर दिखा लेता हूँ यहाँ पर कितना सारा आपको लूट यहाँ पर मिलने वाला। अगर आपने अभी तक यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर नहीं आए हो तो आप बहुत ही बड़ी यहाँ पे मिस करने वाले हैं। जो सप्लाई चेस्ट होता है और एमओ चेस्ट होता है, एमओ चेस्ट में तो आपको पता है काफ़ी अच्छा लूट मिलता है। ठीक, तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही अगर तीन या चार एमओ चेस्ट वो भी फ्री में मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है, तो इसी की वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप सर्वर में भी हो तो स्टार्ट कर रहे हो, अगर पुराने सर्वर में भी हो तो एक बार बॉम्ब शेल्टर आके जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ना यहाँ पे हेलमेट और सीखो तक मिल जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी होगा, जो कि चार एमओ चेस्ट मिलने वाला आपको बाहर में कभी कभी, और भी एटलीस्ट आपको जब भी आओगे तो आपको दो तो एमओ चेस्ट मिलेगा ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो तीन बार आगे ट्राई किया तो मेरे को दो यहाँ पे एमओ चेस्ट मिला, लेकिन आज मेरे को यहाँ पे तीन एमओ चेस्ट मिला था, तो इसीलिए मैंने सोचा ना यहाँ पे डाल देता हूँ। वो भी तीनों एमओ चेस्ट एक ही कमरे में था और एक ही जगह पे। ठीक है, तो अभी देख लेना कहाँ पे है। तो अभी ना चल के मैं नीचे दिखता हूँ फैटी है या नहीं। ठीक है, रूम कौन सा, अगर ब्लू रूम होगा तो मैं यहाँ पर ब्लू रूम ओपन कर लूँगा, और साथ में मेरे पास पर्पल कार्ड तो है नहीं। ठीक है, तो ब्लू रूम से पर्पल कार्ड भी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर चल के चेक करता हूँ कौन सा रूम है। जब से इस गेम का जब से न्यू वाला अपडेट आया तो आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन बेस जो लोग खेलते होंगे उनके साथ एक न्यू प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ऑपरेशन बेस में। आई थिंक जब आप जॉम्बी रेड वगैरह बुलाते होंगे, तो अभी के टाइम अगर जॉम्बी रेड अगर बुलाओगे तो आपका जो जॉम्बी रेड तो होगा लेकिन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक दो राउंड चलने के बाद जॉम्बी आना बंद हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक जॉम्बी पता नहीं कहाँ गैप हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लास्ट आधे घंटे तक देखोगे वही एक जॉम्बी आता है फिर गायब हो जाता है, फिर आएगा फिर गायब हो जाएगा। इसकी वजह से ना आपका जो जॉम्बी रेड होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना अगर आप ऑपरेशन बेस में खेलते होगे तो, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं खुद वीडियो उसका बना कर डाल दूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा दो बार हो चुका है, तो तभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अभी के टाइम इसमें ना जॉम्बी रेड बुलाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इसमें ना जॉम्बी रेड है जो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, दो राउंड आएगा फिर तीसरा वेव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी इतने सारे जॉम्बीज हैं। ठीक है, यहाँ पर पांच छह जॉम्बी है। ठीक है, तो अभी इनको भी किल करते फटाफट। ये भी मेरे को काफ़ी इन्होंने डैमेज दे चुका है, तो स्टार्टिंग में आना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लूट भी मिल जाएगा स्पेयर वगैरह। ठीक है, तो ये एक ब्लडी सर्वर है, नहीं सेवन जॉम्बी है भाई, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे जॉम्बीज ये उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन बेस है, आई होप कि जो ऑपरेशन बेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन बेस में अगर खेलते हो एक बार जाकर जरूर अपना जॉम्बी रेड अपना ट्राई कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे लूट कर लेता हूँ फटाफट, यहाँ पे इसका भी सप्लाई चेस्ट, वो सामने एक सप्लाई चेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले तो बाहर में इधर की तरफ भी दो तीन आपको सप्लाई चेस्ट मिल जाता था, लेकिन नहीं इधर तो दो ही दिए रखा है, एक उधर के साइड और एक पीछे फूड चेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी किल करते फिर देख लेते हैं सप्लाई चेस्ट अपना। और इसमें क्या मिल, इसमें तो शॉर्ट गन, इसमें थोड़ा अच्छा लूट मिल गया। ठीक है, तो इधर के साइड तो फूड चेस्ट पड़ा हुआ है,
और इधर देखा थे आपको एमो चेस्ट, और इधर जितने सारे जॉम्बीज उनको मैं पहले किल करते, तो साथ में तीन तीन अटैक करते तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ना यहाँ पे देख सकते हो पहला एमो सेट जो कि हमारे जो ब्रोकन जनरेटर वायर है उसी के पास में एक एमो चेस्ट, ठीक है। तो उसको भी बाद में डिस्ट्रॉय कर लेंगे, पहले हम जॉम्बीज को पहले यहाँ पे किल करेंगे। अभी ना यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा सेकेंड एमो चेस्ट और उधर के साइड थर्ड एमो चेस्ट, ठीक है। तो अभी ना इसको भी किल करते हैं, देख लेते हैं यहाँ से क्या मेरे को लूट मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को तीन एमो चेस्ट मिला है। जब आप नॉर्मल में आते हो ना तो ये कभी कभी आपको यहाँ पे तीन एमो चेस्ट और एक बाहर में भी आपको मिल जाता है चार एमो चेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी अच्छा लूट मिल गया, लेकिन इस वाला जो एमो चेस्ट है इसमें थोड़ा खास नहीं था, लेकिन इसमें देखना मेरे को और रिफाइनर भी मिल जाता है जो कि मेरे को और SMG भी मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन और बॉम्ब शेल्टर का इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।